हाय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, आई एम दिलजीत सर। टुडे वी आर स्टार्ट एक्सरसाइज 1A। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। चैप्टर्स नेम इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, टुडे वी आर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फाइंड द टाइम। व्हेन टाइम को बेटा यहाँ से हमको फाइंड करना है, और गिवन क्या रहेगा, प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और रेट गिवन है, और हमको यहाँ से फाइंड कर लेना है टाइम को। तो वेरी सिंपल, सारे फार्मूले आपको पता है बेटा। आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक। प्रिंसिपल है ₹6,400, ठीक। और रेट है बेटा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है बेटा 1,152, क्लियर। और रेट है बेटा 6% पर एनम, 6 PA पर एनम। टाइम को फाइंड करना, ओके। तो फार्मूला वेरी सिंपल है, आप राइट कर सकते हैं। तो फाइंड क्या करना है, टाइम। मैंने फार्मूला बताया, टाइम फाइंड करना हो एसआई रेट प्रिंसिपल गिवन है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखो एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। ओके बेटा, अब वैल्यू को यहां पे पुट कर लेते हैं। एसआई कितना है, ₹1,152 मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल कितना है, ₹6,400 इंटू रेट कितना है, 6% पर एनम, ठीक है बेटा, 6% पर एनम। 6 यहाँ पे मैंने कर दिया, पर एनम का मतलब ईयरली, तो ईयर ऊपर आपका चला जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 00 इस 00 से कैंसिल, ठीक। और देखते हैं ये, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 के टेबल में 6 के टेबल में आता है नहीं, 6 1 6 5 बच जाएगा, 55 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है ना, बचेगा 1 6 2 12, ठीक। अब 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, या फिर 16 से कर लेते हैं, 16 4 64, रुपीज का सिंपल कैसे 16 1 16 बचेगा 3 32 हो जाएगा 16 2 32 4 1 4 4 3 12, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देख लो, टाइम पी इक्वल टू आपका आ गया, ठीक है ना, टाइम टी इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके बेटा, वेरी सिंपल है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक। तो ऐसे ही 7, 8 भी है, 7 भी ऐसे है, 8 को मैं बता देता हूँ बेटा, ठीक। इसको राइट कर लूँ, आपको प्रिंसिपल गिवन है ₹9,540, ठीक है ना, 9,540। और सिंपल इंटरेस्ट एसआई गिवन है ₹1,908। ओके, और रेट गिवन है बेटा 8% पर एनम, और टाइम टी को फाइंड करना है। सेम पार्ट यही रहेगा फार्मूला, बस वैल्यू को पुट कर देंगे, ₹9,540 × 100 अपॉन ₹SI प्रिंसिपल की वैल्यू पर सही यहाँ पे बेटा पुट करेंगे 1,908। ये है आपका SI और प्रिंसिपल, ये है 9,540 इंटू
यहाँ पर रेट 8% पर एनम, एनम मतलब ईयरली, इतना ईयर। अब इसको सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी टाइम को ही फाइंड करना है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है, एसआई नहीं गिवन है बट वहाँ पे अमाउंट गिवन है, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा 8 को करते हैं। अमाउंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, अमाउंट गिवन है बेटा, अमाउंट है रुपीज 6450, ये अमाउंट गिवन है। और प्रिंसिपल है बेटा रुपीज 5000, प्रिंसिपल है रुपीज 5000। और रेट है बेटा 12% पर एनम, 12% पर एनम। और टाइम को फाइंड करना है तो हमको सिंपल सा फार्मूला पता है, टाइम टी इक्वल टू होता है एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। बट यहाँ पे हमको एसआई गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले एसआई को फाइंड करते हैं। एसआई फाइंड करने का दूसरा हमको फार्मूला ये भी पता है, एसआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अमाउंट की वैल्यू है बेटा कितना है, अमाउंट है 6450 माइनस ये है प्रिंसिपल है रुपीज 5000। यहाँ से बेटा इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे आएगा 1450, ये हो गया आपका एसआई। अब बेटा देखो यहाँ से आपको एसआई मिल गया, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम को फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला पता है कि टाइम टी इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब वैल्यू को पुट कर लेंगे बेटा, एसआई में रुपी 1450 इंटू 100 और एसआई है रुपी, सॉरी प्रिंसिपल है रुपी 5000 और रेट है कितना बेटा, रेट है आपका 12% पर एनम, ठीक, पर एनम मतलब ये है, ठीक। तो बेटा इसको आप फाइंड कर लेते हैं, तो इसके आगे आपको कर लेना ना। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 8 के बाद 9 से, और इन सब में क्या फाइंड करना है बेटा, इसमें हमको 9, 10, 11 में हमको फाइंड करना रहेगा रेट को। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं 9 को रीड कर देता हूँ, 9 है, इसको क्वेश्चन को राइट कर देंगे। 9 है प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 8250, एसआई इज इक्वल टू रुपीज 1100 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। और फाइंड क्या करना है रेट को, रेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक। यही फार्मूला हमको यूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 5200 है, एसआई इक्वल टू रुपीज 975 है एंड टाइम इज इक्वल टू 2 whole 1/2 years है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 2 4 एंड 1 5 5 5/2 years हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में आपका 5 तो रहेगा लेकिन 2 जो है कि एज ए न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और 11 है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 3560 है, अमाउंट
amount is equal to rupees 4521.20 है एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। सेम प्रोसेस वही सब रहेंगे, बस थोड़ी सी आपको केवल चेंजिंग है और कुछ है नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्रिंसिपल की मैंने बेटा प्रिंसिपल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एसआई को मीन सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से ही, टाइम को डी से, रेट को आर से, ठीक है ना, और अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल है रुपीज 8250, एसआई है रुपीज 1100 और बेटा यहाँ पे टाइम है इज इक्वल टू 2 years सर, 2 years, और रेट को फाइंड करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे फार्मूला आपका जो बनता है वो रेट आर इक्वल टू होता है एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम ना। तो एसआई की वैल्यू है रुपीज 1100 इंटू 100 अपान रुपीज, प्रिंसिपल है रुपीज 8250 इंटू, टाइम है 2 years। ठीक, अब देखो ये इसका 10 इसके 10 से कैंसिल, 2 × 2 = 255 होता है 110। अब इसको हम 25 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक, 25 × 3 = 75 75 और 7 = 82 होगा, तो ये फिर 75 बनेगा, 25 × 3 = और अब ये हो जाएगा बेटा 4 ना। फिर 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 × 3 = 11 × 5 ठीक। अब ये बेटा हो गया आपका 4 × 3 = 12 ना, ये सॉरी 5 × 20 20 / 3 % पर एनम, ये आंसर राइट कर सकते हैं या फिर इसी को हम राइट कर सकते हैं आर इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 16 / 2/3% पर एनम। ओके, ये हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप कर लेंगे। 10 में आपको एसआई ही एसआई प्रिंसिपल और टाइम गिवन है, तो मैं इसका एक जैसे भी पुट करना है मैं उसका बना देता हूँ और आप पुट कर लीजिए। ठीक, एनआई हो गया 10। यहाँ पे प्रिंसिपल है बेटा रुपीज 5200, ओके, एसआई है रुपीज 975 975, टाइम 2 होल 1/2 years, और इसी को हम राइट कर सकते हैं बेटा कितना 2 × 4 = 155 / 2 years। और हमको फाइंड क्या करना है, रेट को बेटा फाइंड करना है, रेट क्वेश्चन मार्क कर दिया, रेट इक्वल टू होता है एसआई इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक, फिर से वही वैल्यू को हम यहाँ पे सेम जैसे भी है वैसे पुट कर देते हैं, एसआई की वैल्यू रुपीज 975 × 100 अपॉन प्रिंसिपल है रुपीज 5200 × टाइम है बेटा 5
अपॉन टू ईयर्स, फाइव यहाँ पे हो जाएगा 2%। अब इनको आप सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही रेट आएगा, और रेट हमेशा परसेंट में रहेगा पर एन एम करके। ठीक, ये बेटा हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये टेन था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट यहाँ पे गिवन है और टाइम गिवन है। तो सबसे पहले हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है, बट हमको एस आई नहीं पता है। तो एस आई फाइंड करने का हमको जो फार्मूला है वो यही होता है कि एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट अगर गिवन है, अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एस आई को फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करेंगे किसको, यहाँ से फाइंड करेंगे अमाउंट, ये एस आई को। क्वेश्चन नंबर 11, रुपीस प्रिंसिपल है 3560, रुपीस 3560 ये हो गया, और अमाउंट है बेटा, अमाउंट एज इक्वल टू है रुपीस 4521.20। ठीक है, रुपीस 4521.20। ओके, और टाइम है 3 इयर्स, और बेटा यहाँ पे हमको रेट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एस आई को फाइंड करेंगे, एस आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। A माइनस बी, अमाउंट है रुपीज 4521.20 माइनस रुपीज 3560। ओके, यहाँ पे बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट में नो चेंजिंग, 20 ही रहेगा। अब देखो इतने से हम इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से जाएगा 0 तो 1 आएगा, 12 से जाएगा 6 तो 6 हो जाएगा, 4 से 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी करेगा, 14 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो 9। ये आ गया हमारा एस आई आ गया रुपीज 961.20। अब बेटा इसके बाद क्या करना है, हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है, एस आई का रेट फाइंड करना, रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब बेटा यहाँ पे पुट कर लो, एस आई की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, रुपीज 9961.20 या फिर 2 ही राइट करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 100। ठीक, अगर 20 राइट कर लेते हैं तो इस 100 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो अभी मैं कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है रुपीज 3560 इंटू टाइम है 3 इयर्स, और इसको इजी कर लेंगे तो रुपीज 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 96120 अपॉन अब रुपीज 3560 इंटू 3। और इसको बेटा सॉल्व कर देना, जो आएगा वो रेट आएगा और परसेंट पर एनम। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही क्वेश्चन, और बाकी को हम नेक्स्ट में करेंगे, बट आप ट्राई कर लेंगे 12, 13, 14, क्योंकि सेम बेस पर हैं, ठीक है ना, 12, 13, 14 इतने क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा।